बात बड़ी खबर से रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। देर रात कोरोना के 113 नए मामले सामने आए। कोरबा 44, बलरामपुर में 28, जांजगीर चांपा में 14 मरीज, दुर्ग रायगढ़ और रायपुर में 6 मरीज मिले हैं। बलौदाबाजार 3 और गरियाबंद बिलासपुर में 2-2 मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, रायपुर से प्रदेश में कोरोना का बढ़ रहा है तेजी से ग्राफ। देर रात कोरोना के 113 नए मामले सामने आए। कोरबा 44, बलरामपुर में 28, दुर्ग रायगढ़ और रायपुर में 6 मरीज मिले हैं। अधिक जानकारी के साथ सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, सहयोगी। सुप्रिया, जिस तरीके से देखा जाए छत्तीसगढ़ में इस तेजी के साथ मामले बढ़ने के आखिर कारण क्या है, क्योंकि जो भी प्रवासी मजदूर थे वो लगभग आ चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में लगातार जो है कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। कल बीती रात जो है 113 नए मरीज मिले हैं। एक तरफ से अगर कहा जाए तो कल देर शाम तक ही छत्तीसगढ़ से एक भी कोरोना मरीज जो है वो सामने नहीं आया था। तो एक तरफ से कहा जा रहा था कि राहत भरी खबर जो है वो सामने आ रही है, साथ ही 84 मरीज जो है वो स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके थे। लेकिन बीती रात जो है अचानक से 113 नए मामले जो है वो सामने आ जाते हैं। नए पॉजिटिव केस में से कोरबा से 44, बलरामपुर से 28, जांजगीर चांपा से 14 समेत तमाम जो मामले हैं वो सामने आए हैं। वही राज्य में अब स्वस्थ मरीजों की बात करें तो 715 मरीज जो है वो स्वस्थ हो चुके हैं। वही कल कोरोना से 2 लोगों की जो मौत है वो भी हो चुकी है और राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर जो है 939 हो चुकी है। जी सुप्रिया, इसका जो स्वास्थ्य विभाग है या फिर सरकार का अमला है वो आखिर क्या कारण मान रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जल्दबाजी की गई अनलॉक करने में, एकदम सभी बाजार खोल दिए गए, सभी दुकानें खोल दी गई, ये कारण हो सकता है? जी बिल्कुल, इसका कारण बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यदि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का भी जो खतरा है वो भी बन रहा है, क्योंकि एम्स में इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं, पुलिस कर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं, तो तमाम जो लोग हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो खतरा है वो भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ गया है। और साथ ही बाजारों की बात करें तो अब सभी दिन जो है वो बाजार खुले रहेंगे, और साथ ही सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक, तो ये कोई कर्फ्यू नहीं है, अब रात के 9 बजे तक बाजारों को खोला गया है। इससे जो लोग हैं वो भी भीड़ जो है अनावश्यक भीड़ बनाते हैं, बेवजह घर से बाहर निकलते हैं। और जनता की अगर हम बात करें तो जनता बिल्कुल लापरवाह है। जनता की बात करें या व्यापारी की, अगर हम किसी दुकान में जाते भी हैं तो वहाँ पर से तो सैनिटाइजर से हाथ धुलवा कर थर्मल स्क्रीनिंग अगर प्रवेश दिया जाता है, तो अगर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से ही अगर कोरोना ठीक होता तो ये कोई उपाय नहीं है। अगर आप कहेंगे कि किसी को सैनिटाइजर के माध्यम से अगर हाथ धुलवा कर हमें तो प्रवेश देंगे, तो ये भी कोई कोरोना जो ऐसा नहीं है कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है। तो इस तरह की लापरवाही जो है वो सामने आती है। राजधानी के बाजारों में लगातार जो है वो भीड़ देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं लोग भी है वो भी लापरवाह होते हुए भी नजर आते हैं। और प्रशासन भी है वो भी बोल बोल कर लोगों को थक चुका है। पुलिस के जवान भी है वो भी अब सक्रिय नजर नहीं आते हैं, क्योंकि वो भी लोगों को बोल बोल कर थक चुके हैं कि ये लापरवाह है तो मानने वाले ही नहीं है, तो पुलिस वाले भी अब कितना बोलेंगे। इस तरीके से जिनकी मानसिकता है वो भी बन गई है। जी बिल्कुल, जागरूकता और लोगों के सजग होने की बेहद ज्यादा जरूरत है छत्तीसगढ़ में स्पेशली अगर बात की जाए। चलिए शुक्रिया आपका सुप्रिया, तमाम जानकारी। देखो बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर